पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए तगड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के शासन में जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ बोले, इन लोगों ने सच्चाई का साथ दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ प्याज नहीं, हर चीज महंगी है। भाजपा के शासन में जनता महंगाई से त्रस्त है। भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ ने कहा कि इन नेताओं ने सच्चाई का साथ दिया है। ये भाग चुके हैं कि जनता के मन में कांग्रेस है, इसलिए भाजपा को छोड़कर नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीहोर से जसपाल सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा से विकास तिवारी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन करें। प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में, और अब प्याज की महंगाई शुरू हो गई। हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई थी। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।